मैं आज एनपीए की कहानी सुनाना चाहता हूं। क्या परिस्थिति पैदा की? यह कहानी की शुरुआत हुई 2008 में और 2009 में चुनाव था। कांग्रेस को लगने लगा था कि अब एक साल बचा है, जितनी बैंकें खाली कर सकते हो करो। एक बार जब आदत लग गई तो फिर बैंकों का अंडरग्राउंड लूट 2009 के बाद 2014 तक चलता रहा। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक ये बैंकों को लूटने का खेल चलता रहा। एक आंकड़ा इस सदन के लोगों को भी चौंका देगा। आजादी के 60 साल बाद, माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के 60 साल की में 60 साल में हमारे देश की बैंकों ने लोन के रूप में जो राशि दी थी वो 18 लाख करोड़ थी। 60 साल में 18 लाख करोड़। लेकिन 2008 से 2014 6 साल में ये राशि 18 लाख से 52 लाख करोड़ हो गई। 60 साल में 18 लाख, 6 साल में 52 लाख पहुंचाई। और ये 6 साल में 60 साल में जो हुआ था उसको डबल कर दिया। और ये कैसे हुआ? दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग तो बहुत देर से आया, लेकिन कांग्रेस ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, कांग्रेस के लोग ऐसे बुद्धिमान हैं कि दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग आने से पहले भारत में फोन बैंकिंग शुरू हुआ, ये टेलीफोन बैंकिंग शुरू हुआ। और टेलीफोन बैंकिंग का एक कमाल था कि 6 साल में 18 लाख से 52 लाख अपने चहेते लोगों को खजाना लुटा दिया गया बैंकों से। और तरीका क्या था? कागज देखना, प्रोजेक्ट, कुछ नहीं। टेलीफोन आया, लोन दे दो। लोन देने का समय आया, उसके लिए दूसरी लोन दे दो। वो लोन देने का समय आया, दूसरी लोन दे दो। जो गया सो गया, जमा करने के लिए नई लोन देते चलो। यही कुछ चक्र चलता गया और देश की बैंक एनपीए के विशाल जंजाल में फंस गई। एनपीए बढ़ने का एक और कारण, यूपीए सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश में कैपिटल गुड्स में, इंपोर्ट में बेतहाशा वृद्धि हुई। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी को कम करके इतना ज्यादा बढ़ाया गया कि हमारे कच्चे तेल के आयात के समतुल्य हो गया। इन सारे इंपोर्ट की फाइनेंसिंग बैंकों के लोन के जरिए की गई। देश में कैपिटल गुड्स के उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंकों की लेंडिंग के बिना, प्रोजेक्ट असेसमेंट के बिना क्लियरेंस क्लियरी गई। यहाँ तक कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में तो इक्विटी के बदले भी लोन ही बैंकों ने दिया। अब एक तरफ तो इन कैपिटल गुड्स के आयात और प्रोजेक्ट के निर्माण में कस्टम ड्यूटी या सरकार के टैक्स में कमी की गई, वहीं दूसरी तरफ सरकारी क्लियरेंस देने के लिए कुछ नए टैक्स ला बनाए गए, जो टैक्स सरकार के खाते में नहीं जाते थे। इस टैक्स के कारण सारे प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस में देरी हुई, बैंकों के लोन फंसे रहे और एनपीए बढ़ता रहा।